मेरा नाम नीलेश परमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बिजनेस के बारे में बहुत सारी टिप्स देता हूँ, जैसे कि आपका नेटवर्क कैसा बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला, एक अच्छी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ। क्या दोस्तों, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस हर सिटी के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर और आपका बिजनेस हर राज्य के तक पहुंचे? दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप आपके बिजनेस के चैंपियन बने? क्या दोस्तों, आप चाहते हो कि आप आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाओ, एक गुना, दो गुना नहीं, 10 गुना? तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं कि जिससे आप आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे आप आपके बिजनेस को 2 गुना 4 गुना नहीं 10 गुना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी है कि आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एज अ करियर आप लोगों ने चुना है। कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? जी हाँ दोस्तों, वो फॉर्मूला है लिस्ट। आपने लिस्ट बनाने की टेक्निक को सीख लिया दोस्तों, तो वो आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है दोस्तों। दोस्तों, लिस्ट बनाने की कई सारी महिमा है दोस्तों। जैसे कि हम लिस्ट शादी बिया में भी बनाते हैं। क्यों? रिश्तेदारों का लिस्ट, हर रेसिपी का भी तो लिस्ट होता है दोस्तों। अगर हम किचन के अंदर कुछ रेसिपी बनाते हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज अगर हम डालना भूल गए, जैसे कि अगर आपने नमक डालना रह गए, तो वो कैसा बनेगा? तो दोस्तों, वहां पे भी जरूरतों का लिस्ट जरूर बनता है दोस्तों। तो इसीलिए लिस्ट की बहुत जरूरत है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट सर्जरी के लिए अंदर जाता है, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट का भी तो दोस्तों लिस्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जब सर्जरी पूरी होगी तो कोई इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के बॉडी के अंदर रह नहीं जाए। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट का बहुत बड़ा महिमा है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अच्छी तरीके से लिस्ट बना लिया, तो वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप लिस्ट बनाए, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आपके लिस्ट के अंदर जिन जिन लोगों का आप नाम लिखने वाले हो, या आप सोच रहे हो कि मैं इनका नाम लिस्ट के अंदर लिखूं या नहीं लिखूं, तो ये आपको कभी नहीं सोचना है दोस्तों। क्योंकि अगर आज आप लोगों ने उनका नाम आपके लिस्ट के अंदर नहीं लिखा दोस्तों, तो कल हो सकता है आप जब आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप खोलोगे, तो हो सकता है वो उनके व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर किसी और कंपनी में जुड़ चुका होगा। कभी ऐसा भी बन सकता है दोस्तों कि आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले किसी और कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, और आप या फिर आपके फेसबुक की स्टोरी के द्वारा। तो मैं नहीं चाहता कि ये दुख आप लोगों के साथ हो, ये गम आप लोगों के साथ हो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों को ऐसा हो। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप लिस्ट बनाते हो, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को कभी भी किसी का भी नाम चुकना नहीं है जब भी आप लिस्ट बनाते हो। तो दोस्तों, लिस्ट को आपको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, पर दोस्तों आज मैं आप लोगों को लिस्ट बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं कि अगर आपने उस तरीके से आपका लिस्ट बना दिया दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको आपके लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाना है। आप जब भी आपका लिस्ट बनाते हो दोस्तों, तो उसमें पहली कैटेगरी लिखिए नियर एंड डियर, यानी सबसे नजदीकी वो लोग, वो रिश्तेदार जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो लोग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, वो लोगों का लिस्ट सबसे पहले बनाइए दोस्तों। तो वो आपकी कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आना चाहिए। कैटेगरी आपके हाई हेलो वाले फ्रेंड्स, आपके हाई हेलो वाले रिलेटिव, यानी वो लोग आपको कभी कभी मिलते हैं। ऐसे वो हर एक लोग कि जो लोग आपको कभी कभी मिलते हैं, यानी वो आपके न्यूज़पेपर वाला हो सकता है, आपको दूध देने आने वाले लभी हो सकता है दोस्तों, आपके बच्चे को छोड़ने आने वाला स्कूल के वान का वो अंकल भी तो हो सकता है दोस्तों, पर वो आपको कभी कभी मिलता है। जो कभी कभी मिलने वाले लोग हैं, जो
जिनको आप दूसरी कैटेगरी में रखिए दोस्तों, और तीसरी कैटेगरी दोस्तों स्ट्रेंजर्स, जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते, ना तो वो आपके फैमिली में है, ना तो वो फ्रेंड में है, ना तो आप उनको अच्छे से जानते हो, कोई हाईली मोटिवेटेड है, जिनके बड़े बड़े सपने हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी कंपनी के अंदर बड़े अचीवमेंट किए हैं दोस्तों, वो लोग जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते बट इनडायरेक्टली जानते हो, वो आपकी कैटेगरी इनके अंदर तीसरे नंबर पे आनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों आप जब भी लिस्ट बनाओ तो आपको आपका लिस्ट पेपर पे नहीं बनाना है, मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, आप ऐसे सोचोगे कि ये इतने सारे कॉन्टेक्ट है वो मेरा लिस्ट है, नहीं दोस्तों, आपको आपका लिस्ट कंपलसरी एक अच्छी सी डायरी लेनी है, उसके अंदर बनाना है, या फिर आप आपका लिस्ट लैपटॉप के अंदर बना सकते हो, आईपैड के अंदर बना सकते हो, अगर आप टैबलेट यूज करते हो तो आप उसके अंदर भी बना सकते हो, बट आपका जो लिस्ट है वो अच्छे से रिकॉर्डेड होना चाहिए, जिसको आप कभी भी देख सकते हो, और उसको अलग अलग टेबल वाइज बनाइए, जैसे कि पहले लिखिए नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका एरिया वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है, उसके बाद उसका प्रोफेशन वो कौन से क्षेत्र के साथ काम कर रहा है अभी, और आखिर में रीमार्क, क्योंकि जब आप उनके साथ बात करोगे तो लास्ट में जो रीमार्क है वो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने उनको फोन किया, अगर वो सिटी के बाहर है और उन्होंने आपको ऐसा बोला कि आप 4 दिन के बाद आइए, तो अगर आपने रीमार्क पे लिखा हुआ होगा कि मुझे 4 दिन के बाद इनको मिलना है, उनके साथ बात करनी है, तो वो इजीली याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे ही सोचोगे कि मुझे याद रह जाएगा तो दोस्तों ऐसे याद नहीं रहता दोस्तों, गजनी का टाइम नहीं है पर लोग गजनी हो गए, क्योंकि आज ज्यादातर ऐसा है कि हमको बहुत कुछ पता है पर हमको सही टाइम पे याद नहीं आता। अगर आपने इस तरीके से लिस्ट बनाई अलग अलग सिटी वाइज, जैसे ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बड़ौदा, एस फॉर सूरत, आर फॉर राजकोट, तो अगर आपने इस कैटेगरी के हिसाब से सिटी वाइज बनाई तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको वही होगा दोस्तों कि जब उनकी सिटी के अंदर, उनके एरिया के अंदर कंपनी का कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, या फिर आपकी कंपनी के मैनेजमेंट टीम के द्वारा कोई मेंटोरिंग प्रोग्राम वहां पे रखा है, तो आपके लोगों को इजीली वहां पे इनवाइट कर पाओगे दोस्तों। अगर वो लिस्ट आपको याद होगा तो सही टाइम पे आपको सही लोगों का नाम याद नहीं आएगा दोस्तों। जो लिस्ट वो डायरी के अंदर बनाया है या फिर लैपटॉप के अंदर बनाया है तो आप उसको फिल्टर करके इजीली उनको फोन करके आप उनको इनवाइट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैंने अब तक आपको बताया कि लिस्ट कैसे बनाया जाए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि उस लिस्ट के ऊपर काम कैसे किया जाए। दोस्तों जब भी आपने जो लिस्ट बनाया है उन लोगों को आप बात करोगे तो आपको उनके साथ आपकी शेयरिंग करनी है, आपको शेयरिंग करनी है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, आपको शेयरिंग करनी है आपकी कंपनी की सर्विसेज के बारे में, आपको उनके साथ शेयरिंग करनी है आपके बिजनेस के बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, आपका और आपकी कंपनी के विजन के बारे में, आपके गोल के बारे में। हो सकता है दोस्तों उनको आपकी कंपनी की प्रोडक्ट की जरूरत हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि वो आपके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि वो आपके बिजनेस के अंदर पार्टनर भी तो बन सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों जब आप अच्छे से लिस्ट बनाओगे और आप आपके लोगों के साथ बात करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होंगे, जो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे दोस्तों। तो जितनी बड़ी लिस्ट इतना ही बड़ा सक्सेस और इतना ही बड़ा नेटवर्क और इतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो सकता है दोस्तों। और जब दोस्तों आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों हर काम आपको आसान लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर ये वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ है, अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा है तो हर उस इंसान को इस वीडियो को भेजिए जो बिजनेस कर रहा है, जो नेटवर्क कर रहा है, जो सेल्स में काम कर रहा है, जो मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े, जिससे उनका तो भला होगा ही दोस्तों पर इस देश का और इस समाज का भी भला होगा दोस्तों।
दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बिजनेस के बारे में, नेटवर्क के बारे में ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय।